कितने साल से पढ़ा रहे हैं? हम 25-30 साल पढ़ा रहे हैं बिना वेतन के। हिमंत विश्व शर्मा, वो हमको ये थोड़ा बहुत दिन से गुमराह कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रोविंशियलाइज करेंगे प्रोविंशियलाइज करेंगे, लेकिन आज तक नहीं। हमारा घर का इनकम तो कोई नहीं। 1996 मेरा जॉइनिंग है स्कूल में, वही समय से बिना वेतन के आज तक बिना वेतन से काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री हमारे दुख की दर्द को समझे और हमको प्रोविंशियलाइज करे। हमारा टीचर लोग है बहुत सारे अब तक सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनका घर में चलने के लिए रेशन नहीं है, खाने के लिए बीवी बच्चा को पालने के लिए कोई पैसा नहीं है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां पर ये यहां आमतौर पर प्रदर्शन चलते रहता है, लेकिन आज का प्रदर्शन जो है शिक्षक कर रहे हैं। शिक्षक जो कि देश का भविष्य संवारते हैं, वो शिक्षक आज सड़कों पर हैं और जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे, इनसे बात करके साफ तौर पर इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ इनका कहना है। आप जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? देखिए, 2021 साल में असम सरकार ने विद्यालय प्रदेशीकरण किया था, लेकिन वो उसमें जो मिडिल इंग्लिश स्कूल है उनमें 3 शिक्षकों का पद प्रदेशीकरण किया है, लेकिन 2 शिक्षक को वंचित किया है और उसमें हिंदी शिक्षकों को वंचित किया है। इसलिए यह मांग लेकर प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री जी को पास यह कहना है कि जो हमारा जीने हमारा शिक्षक जी को जीने दो और गरीब दलित जो स्टूडेंट है उनको पढ़ने का मौका मिलने के लिए हम लोग असम से जंतर मंतर आया था। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? हम 25-30 साल पढ़ा रहे हैं बिना वेतन के। बिना वेतन के 25-30 साल हो गए पढ़ाते हैं? हाँ, पढ़ाते हैं 25-30 साल। घर के खर्चे जो हैं, बेसिक जो इनकम की सोर्स है क्या है आपकी, कैसे घर के खर्चे करते हैं? हमारा घर का इनकम तो कोई नहीं, घर में छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, कोई लोग घर का काम करते हैं, इसी तरह से उनका घर चलाते हैं। तो घर से दबाव नहीं आता कि अगर वेतन नहीं मिल रहा है तो बिना वेतन के क्यों पढ़ा रहे हैं, छोड़ दो दूसरा कुछ कर लो? असम सरकार ने 2005 साल में हमारा विद्यालय को परमिशन रिकॉग्निशन दिया, इसलिए हमारा मन में यह आशा है कि जो सरकार ने एक समय विद्यालय प्रोविंशियलाइजेशन करेगा और वो भी घर चलाना हमारा सुविधा होगा। यहाँ पर जो है काफी लोग मौजूद हैं, और भी लोगों से बात करेंगे। कितने साल से पढ़ा रहे हैं? मैं तो 29 साल से पढ़ा रहा हूँ स्कूल में, 14/12/1996 मेरा जॉइनिंग है स्कूल में, वही समय से बिना वेतन के आज तक बिना वेतन से काम कर रहा है वही स्कूल में। और हमारा इच्छा है जो मन में विश्वास है, जो सरकार ने परमिशन दिया है, सरकार ने परमिशन जब दिया है तो प्रोविंशियलाइज करेगा, उसी आशा मन में लेकर हम आज तक पढ़ा रहे हैं। जो हमारा जो परमिशन दिया है तो उसी साल से हम पढ़ा रहे हैं। और सरकार ने बोला है अगस्त मास में होगा, अगस्त चला जाएगा तो मार्च मास में बोलेगा, मार्च मास में होगा, इसी आशा के एक साल दो साल करके करके चला जा रहा है। यहाँ जो है काफ़ी संख्या में जो है शिक्षक मौजूद हैं, यहाँ पर जो है आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे बेहद सारे लोग हैं जो असम से आए हुए हैं और पूरे जो हैं असम के शिक्षक हैं, और इस उम्मीद में है कि यहाँ दिल्ली जंतर मंतर पर जो आप प्रदर्शन करेंगे तो उन्हें कुछ उम्मीद है, और उस पर उम्मीद को लेकर यहाँ पर जंतर मंतर पर आए हुए हैं। क्या कहना है जी? नमस्ते, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे बात को जनता के सामने रखने के लिए। हम गरीब तिसार है असम का, ऐसे हुआ कि गांव के लोग स्कूल बनाते हैं और जो शिक्षित युवक है उनको वहां नियुक्त करते हैं, बाद में सरकार ने उसे परमिशन देता है और रिकॉग्नाइज कर देता है, इसके बाद सरकार उसे प्रोविंशियलाइज करता है, यानी प्रोविंशियलाइज करने पर हमको तनख्वाह मिलता है। लेकिन ऐसा हुआ, सरकार ने बहुत दिन हो गया कुछ स्कूल प्रोविंशियलाइज करा और एक ऐसा आइन बनाया, खतरनाक आइन, जो इंसान को शिक्षक को मारने के लिए बनाया, ये आइन में हमको आइन से बाहर बना दिया।
ऐसा आइन जो पहले उस आइन में शिक्षक हो गया, उनको तनख्वाह मिल गया और उस आइन में ऐसा कुछ धारा लगा दिया जिसे और उसे अमेंडमेंट करने पर हम टीचर हो सकते थे। सरकार ने ऐसा आइन लगाकर हमको आइन से बाहर बना दिया। हम ये बात लेकर दिल्ली आया हो कि हमारी माननीय प्रधानमंत्री हमारे दुख की दर्द को समझे और हमको प्रोविंशलाइज करे। जो गरीबों के दुख दर्द करने वाला प्रधानमंत्री है, जो गरीबों का मसीहा बोलते मानते हैं लोग, हमें मोदी से ये आशा करता हूँ, विनती करता हूँ प्रधानमंत्री जी हमारे दुख को समझे और हमें हमारे सरकार को ये निर्देश दे कि आप ऐसा आइन बनाइए जिसमें जनता की सुख हो, शांति हो, जनता की सुविधा के लिए आइन बनाइए, जनता को मानने के लिए आइन मत बनाइए। हमें ये समझने के लिए प्रधानमंत्री से प्रार्थना करता हूँ, तार इसके बाद राष्ट्रपति जी से प्रार्थना करता हूँ, गृह मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि एजुकेशन मिनिस्टर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें हम जैसा गरीब टीचर को जीने के लिए कुछ कीजिए। कितने साल हो गए पढ़ाते हुए आप? तो मेरा तो 15 साल हो गया। मेरा कुछ ऐसा साथी है और कुछ ऐसा बुजुर्ग लोग है जिसके 2 महीना है 3 महीना है 1 साल है 1.5 साल है, इसके सिवा किसी का नौकरी नहीं होगा। अगर अब भी टीचर बनाएगा तो 2 साल से ज़्यादा बहुत सारे शिक्षक नहीं मिले। अच्छा, कुछ शिक्षकों को जो है सरकारीकरण कर दिया जाता है, बाकियों को छोड़ दिया जाता है। सरकारीकरण जो किया जाता है किस आधार पर किया जाता है? सरकार ने अपनी मर्जी से, वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है ना, वह किसी का सुनता नहीं है। जो दिल में आता है, जो मन में आता है, वही आइन बना देते हैं। हम जैसे गरीब किसान का बात हुए नहीं मानते, इसीलिए हम मोदी जी के सामने आया हूँ, वह हमारे विनती सुने और हमें जीने का अधिकार दे। तुम असम में भी मोदी की ही सरकार, बीजेपी की ही सरकार है, तो ये मानना चाहिए। हमारे सरकार ने ऐसा ढाल ढोल बजाया है कि असम में कोई इतना अच्छा हो रहा है, शिक्षा के बारे में कोई इसमें दुख दर्द नहीं है, शिक्षा की मान बहुत ऊंचा है। लेकिन आज दिल्ली में आया हूँ, मोदी जी ये बात पता नहीं है, हम बताने के लिए आया है। मोदी जी को पता नहीं? पता नहीं, हम मानना है कि असम में असम का सरकार जनता को ये दिखाता है कि असम में शिक्षा की बहुत सारे उन्नति हो गया है, यहाँ टीचर की ऐसा वेदना नहीं है। लेकिन हम मर मर कर जी रहे हैं, ये वेदना हम दिल्ली तक आया है। इसलिए जो सरकार है, मोदी जी जो है, वो शिक्षक दिवस पर आते हैं, भाषण देते हैं, शिक्षकों के लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन शिक्षकों की जो हालात है देश में बदतर होती जा रही है। ये तो बात है, मेरा यह मानना है कि लगभग मोदी जी हमारे दुख को पता नहीं लगा है। अब आया हो दिल्ली में उसे हम बताने के लिए, अगर वह सुन सके तो मैं जानता हूँ ऐसा प्रधानमंत्री है हमारा, गरीब का दर्द जरूर क्या कहते हैं, गरीब का मसीहा मानते हैं, भगवान मानते हैं, ये भगवान हमारा उपकार जरूर करेगा। बेहद साफ दिल से इनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री है उनको इस मुद्दे की जानकारी ही नहीं है, इसलिए वो जानकारी देने आए हैं। इस उम्मीद में आए हैं कि प्रधानमंत्री को ये जब मालूम होगा तो वो जरूर इस पर काम करेंगे। आप क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री को क्या सच में ये बात मालूम नहीं है? मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि असम का जो प्रॉब्लम है, जो भैंसार, ये भैंसार वार्ड को हमारे प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं, क्योंकि ये भैंसार का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जानते हैं कि सब लोग शिक्षक है, लेकिन हम लोग भैंसार का मतलब है हम लोग रिकॉग्नाइज है लेकिन प्रोविंशलाइज नहीं है, यानी कि हम लोगों को तनख्वाह नहीं देता है। यही बात हम आज बताने के लिए प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, एजुकेशन मिनिस्टर और सबको हम बताने के लिए बोल रहे हैं कि हमारा जो भैंसार स्कूल है, विद्यालय है, वो सबको प्रोविंशलाइज करे और हमको जीने का कोई राह दिखाए। क्या लगता है प्रधानमंत्री को मालूम हो जाने के बाद आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा? ये तो हम लोग ऊपर वाला से दुआ करते हैं कि हमारा मांगे पूरी करे, क्योंकि प्रधानमंत्री को आज तक नहीं पता कि हम लोग किस दुर्दशा में जी रहे,
क्योंकि एजुकेशन में बहुत सारे बच्चा यानी कि एजुकेशन में सब लोग शिक्षा देते हैं, और उस शिक्षा में अगर हम लोग बच्चे को दे रहे हैं, और अगर कल के दिन में ये स्कूल बंद हो जाए तो कल के दिन यानी कि फ्यूचर बहुत अंधकार होगा। इसलिए हमको सभी को इस शिक्षक आज देखिए हम असम से जंतर मंतर में ये आंदोलन करने के लिए आए हैं कि हमारा जो मांगे है यानी कि हमारा जो विद्यालय है उनको प्रोविंशियलाइज करें, और ये प्रोविंशियलाइज करने के लिए हम लोग आज आए हैं। तो प्रधानमंत्री को मैं अनुरोध करता हूँ, दिल से स्वागत करता हूँ कि हमारा जो मांगे है यानी कि जो वेंचर विद्यालय है, जो असम के हमारा सीएम है हिमंत बिश्व शर्मा, वो हमको ये थोड़ा बहुत दिन से गुमराह कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रोविंशियलाइज करेंगे प्रोविंशियलाइज करेंगे, लेकिन आज तक नहीं। और एजुकेशन मिनिस्टर जो रणोस पे गया, आज तक वो कोई भी बात करना है तो हिमंत बिश्व शर्मा परमिशन देता है तभी बोलता है। तो इसी ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर हमको नहीं चाहिए जो अपना जो डिपार्टमेंट को नहीं संभाल सकते हैं। तो इसलिए हम बार बार ये प्रधानमंत्री को अनुरोध करते हैं कि हमारा जो असम का जो प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन करे। प्रधानमंत्री को 9 साल हो चुके हैं सत्ता में, लेकिन क्या अब तक उनको पता नहीं होना चाहिए था? शायद पता होगा, लेकिन गुमराह कर दिया यानी कि नजरअंदाज कर दिया, सुनने का कोई प्रयास नहीं किया। असम में जो उनका बीजेपी सरकार है उससे वो लाभवान है, यानी कि हिमंत बिश्व शर्मा जो बोलता है वही शायद सुनता है कि ना असम का तो परिस्थिति बहुत अच्छा है, लेकिन दिखाई दे रहा है कि असम में बहुत बड़ा संघर्ष लगाने का जो प्रयास कर रहे हैं हिंदू मुसलमान का प्रयास कर रहा है, जो आसनी देता है सबको गुमराह करके शिक्षा डिपार्टमेंट में जो ध्यान देना चाहिए लेकिन वो ध्यान नहीं देता है। ये प्रधानमंत्री को बोल रहा है कि हमारा असम सही है, लेकिन नहीं, वहाँ पे सिर्फ बीजेपी इलेक्शन करके जीतने के लिए यानी कि वो लोग अपना गद्दी बचाने के लिए हम लोगों को गुमराह करके प्रधानमंत्री को अच्छी अच्छी बातें बोलते, लेकिन इसी तरह आपके जरिए से हम बोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री को यानी राष्ट्रपति को, हमारा जो मांगे है असम की जो बहुत बड़ी समस्या है जो वेंचर स्कूल एलपी से लेकर कॉलेज तक ये सभी हमारे प्रोविंशियलाइज होता है, ये हमारा प्रॉब्लम। जाहिर तौर पर ये शिक्षकों का कहना है जो कि देश का भविष्य संवारते हैं, बच्चों का भविष्य संवारते हैं। जी बात यह है कि जो सारे हमारा टीचर लोग है बहुत सारे अब तक सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनका घर में चलने के लिए रेशन नहीं है, खाने के लिए बीवी बच्चा को पालने के लिए कोई पैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जैसे ही भैंसर स्कूल है कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है, यानी कि हम लोग दिखावे के लिए टीचर है, हमारा बच्चा जो होता है टीचर स्टूडेंट होता है वो इंजीनियर डॉक्टर पढ़ के बन जाता है, लेकिन हमारा जो परिवेश है यानी कि हम लोग कोई भी पैसा नहीं मिलता है, यानी कि हम लोग हमारे बच्चे हमारे फैमिली को किस तरह से प्रोटेक्ट करें। तो इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि हमारे जो मांगे वो पूरी करें, हमारे विद्यालय जो है एलपी से लेके कॉलेज तक वो सभी को प्रोविंशियलाइज करें। स्कूल होता है, स्कूल के जो बेसिक खर्चे होते हैं वो कौन देता है, सरकार देती है या शिक्षक अपने देते? नहीं, वो लोग कुछ नहीं देता, शिक्षक अपना घर से पैदल जाके यानी साइकिल से जाते हैं, या कोई लोग किसी भी तरह से थोड़ा बहुत इनकम करके चलता है, सरकार की तरफ से हमको कुछ भी नहीं मिलता। पहले के जमाने में आपको महीने को 4,000 और साल में 48,000 दिया था, लेकिन वो आज 2016 से बंद हो गया, यानी कि उससे पहले बंद कर दिया। आप चलने के लिए या खाने के लिए शिक्षक के लिए कुछ नहीं है। और आपने सुना ये एक शिक्षक का दर्द है, इनका कहना है कि कई शिक्षकों ने इसके कारण क्योंकि उनके घर में अन्न दाना नहीं है, बिना वेतन के वो सालों साल काम कर रहे हैं और एक पैसे का अन्न दाना नहीं है, जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। जाहिर तौर पर सरकार को इस बारे में सोचना होगा क्योंकि ये शिक्षक है, अगर ये ही नहीं रहेंगे तो आपके देश में डॉक्टर इंजीनियर आईपीएस कहाँ से लाओगे, कहाँ से आएंगे देश को संवारने वाले भविष्य? तो ये भविष्य को संवारने वाले शिक्षकों और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।